स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले दिनों मंजाखेड़ी डैम के नहर निर्माण की शिकायत किसानों ने अधिकारियों से ऊपर तक शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने इस पार्ट पर आकर देखना तक उचित नहीं समझा। क्षेत्र के किसान एवं ग्रामीण जन, यहाँ तक कि BJP नेता के गोपालपुर मंडल के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी नहर के इस पार्ट पर जाकर देखा तो उन्हें भी गठिया निर्माण देखने को मिला। उन्होंने भी पार्टी स्तर से अधिकारियों को एवं बड़े नेताओं से शिकायत की, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने आकर ध्यान नहीं दिया। निर्माण पर ध्यान देना तो दूर की बात, लेकिन उन्होंने आकर जांच करना भी उचित नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बनी नहर अब बारिश का समय चालू हो गया है। यह नहर पिछले सीजन में चालू होने से बारिश के पानी में इसका निर्माण बारिश में बह जाएगा। अगर शीघ्र ही अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ठेकेदार निर्माण की लीपापोती करके यहां से निकल जाएगा, जिसके लिए सभी किसान एवं ग्रामीण नेता इस घटिया निर्माण को डबल से निर्माण करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। नरसुलागंज से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। सोलंकी सुनील, कहाँ रहते हो? मैं मंजाखेड़ी छाप में रहता हूँ। ये बताइए कि ये जो नहर बन रही है आपके यहाँ, क्या मामला है इसका? ये नहर है ना पूरी भ्रष्टाचार में पूरे हो गई, खराब हो गई, नहर उखड़ गई है पूरी। कितने दिन हुए बने? बने 20 दिन हो गए और अभी से उखड़ने लग गई है, तो ये बारिश में क्या टिकेगी? कहाँ से कहाँ तक बन रही है ये? है ना मंजाखेड़ी छाप से मगरिया तक 3 किलोमीटर बनना है। तो यहाँ ये जो नहर का कार्य चल रहा है तो कोई अधिकारी देखने आते होंगे? हाँ आते हैं, SDO साहब आए थे, उनसे शिकायत की थी तो उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। और कितना माल डालना था इसमें? इसमें 6 इंची डालना था पर आधा इंची डल रहा है। मतलब ये जो पन्नी है, पन्नी दिख रही है जगह जगह? पन्नी दिख रही है, मट्टी दिख रही है, बस उससे ज़्यादा नहीं माल डाला। मतलब ये कि सरकारी खजाने को लूट रहा है विकास के नाम पर? सरकारी खजाने को सरकारी लूट रहा है, तो सही नहीं। रूप सिंह कहाँ रहते हो? मंजाखेड़ी ग्राम मंजाखेड़ी। ये बताइए क्या मामला आपके यहाँ का? ये तालाब है सर, निर्बंधित है तो घटिया काम चल रहा और ये पन्नी दिख रही ऊपर है, कुछ नहीं नीचे पन्नी ऊपर दिख रही, वो कुछ भी नहीं लगाया है माल, वो घटिया निर्माण चल रहा है। हाँ तो इसकी आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी सर, लेकिन अपनी सुनवाई नहीं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं वो लोग, आते हैं ठेकेदार लोग आते हैं तो तुम क्या कर लेंगे और क्या तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या मामला है, तुम कई के लिए पीछे लग रहा, हमारा काम कर लेंगे, यूँ बोले। तो कितना माल डाला हुआ इनने? माल तो कहीं नहीं सर, ये देख लो, ये ऊपरी पन्नी दिख रही है, मतलब आधा इंची 8 इंच माल डालना था जिसमें आधा इंच डाला है इंची, सर आधा इंची। अभी कितना किलोमीटर बन गई होगी नहर? अभी सर तो 3 किलोमीटर की नहर बनने के थे पर आधा किलोमीटर नहर बनी, लेकिन ऐसा ही निर्माण हुआ ये, मतलब पूरा घटिया निर्माण हो रहा, पूरा घटिया। शिवराज सिंह चौहान का इलाका है, क्षेत्र है, जब भी ऐसा घटिया निर्माण चल रहा है हमने बोला था लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। मतलब अधिकारी और ठेकेदार शिवराज जी के क्षेत्र में लूटपाट कर रहा है? शिवराज जी के क्षेत्र में लूटपाट हो रहा है और ये इस तरह घटिया निर्माण कर रहा है ना? घटिया निर्माण हो रहा है सर। मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ निर्माण कार्य को और पूरी फैल गई? हाँ पूरी फैल गई, पानी आने से, पानी आ गया सब बेक चल जाएगा ये मटेरियल, मतलब पानी छोड़ेंगे सब बह जाएगा? सब बह जाएगा सर, मतलब कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, 4 करोड़ की नहर है ना? हाँ सर, भ्रष्टाचार की चल गई। ठीक, कहाँ रहते हो? साहब में मंजाखेड़ी साहब। ये बताइए क्या मामला है आप लोगों के यहाँ? जो मामला है बेकार हो रही नहर, तुम देख रही आग के देख रही, हमने भी देखा, शिकायत कर दी शिवराज सिंह तक की, जब भी कहीं नहीं हो नहर को, ठेकेदार को कोई परवाही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? मगरिया तक। कहाँ से बन रही है? नहीं मंजाखेड़ी से। अच्छा, मंगरिया तक, मंजाखेड़ी तालाब से मगरिया तक बन रही है? तो इसकी आपने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, ना कलेक्टर सुनवाई करी, ना वीडियो करी, ना कोई भी नहीं, मतलब जगह जगह पूरी फैल गई है ना? हाँ जगह जगह फैल गई। मांग करे तो पैसे मांग रहे, शिकायत करांगो तो पैसा हमारा से ले रही सरकार, तो कई सरकार है वैसे चल रही है तुम्हारी, मतलब ये जो अधिकारी है वो आप लोगों को नहीं सुन रहा है? जरा सी नहीं सुन रिया, ना ठेकेदार नहीं सुन रहे हो तो ऑफिसर कहीं सुने अपनी, मतलब ये कि 3 करोड़ की जो नहर है ये 30 लाख में बना के सुहा हो जाएंगे? 30 लाख भी नहीं लगेगा, कम में हो जाएगा सुहा। ऐसा क्यों कि माल जरा कितना डाल रहे? माल तो 1 इंची भी नहीं डाल दिया, तुम देख लो जरा सी आधी इंची है। हाँ वो तो दिख रहा है, पन्नी दिख रही जगह जगह। तो अब आप क्या चाहते हो? आप पक्की बने तो चाह, नहीं तो फेल हो जाए, डबल से बनना डबल चीनी बनी नहीं तो फेल हो जाएगा इस साल, मुख्यमंत्री का ही भी कर ले
देख के आ जा। मतलब ये घड़ी में आके देखना चाहिए उसको। मतलब ये लुटेरे अधिकारी और कर्म ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई तुरंत नौकरी से जान लूजिए जब जाके होगा ये नहर। नहीं तो नहीं होगा खजाएगा। मतलब खजानो खागा सरकार को। मुख्यमंत्री अपना खजाना विकास के लिए लुटा रहा है, जिसको कौन लूट रहा है? ठेकेदार और ठेकेदार नहीं लूट रही, सब मिलके लूट रही है। कर्मचारी हूँ ठेकेदार, नहीं तो कर्मचारी डांट सके ठेकेदार को। ये मतलब नहीं तो ठेका, हमने शिकायत करी तो आया कहीं हो? कोई अधिकार नहीं आया हमने जब तक शिकायत करी? एक दिन होगा ठेकेदार नहीं आयो ना कोई, जो बड़ो ठेकेदार भी नहीं आयो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।